आज के लेक्चर में हम फिर अमेरिकन चिंतन धारा को आगे बढ़ाएंगे। हमने काफ़ी डिटेल में कार्ल सावर और रिचर्ड हार्टशोन के काम को देखा, और हमने देखा कि उनके काम के साथ साथ में अमेरिका में कुछ नई चिंतन धाराएं जो है वो लगातार स्थान लेती है। एक कंट्रीब्यूटर के रूप में हम इस लेक्चर में डेविड हार्वे की भी बात करेंगे, जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रबल प्रवर्तक थे, और उन्होंने अर्बन ज्योग्राफी में भी पायोनियरिंग वर्क अपना दिया था। और शुरुआत हम करेंगे उन थोड़ी बहुत धाराओं के साथ में जो शुरू हुई इन सब चिंतकों के परिणाम स्वरूप, इनके कार्यों के परिणाम स्वरूप, जिसमें मूल रूप से हम नाम लेते हैं कार्ल सावर और रिचर्ड हार्टशोन का, जिन्होंने एक तरह से अपने टाइम में लीडरशिप दी थी जो ज्योग्राफिकल एडवांसमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसको। तो इस यहाँ पर दो बहुत प्रबल धाराएं निकल के सामने आई, और वो जो दो धाराएं निकल के सामने आई उसमें एक तो थी ऐतिहासिक भूगोल और एक व्यावहारिक भूगोल। इसके साथ साथ में एक और धारा बहुत मजबूती से आती है, और उस धारा का नाम है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, परिमाणात्मक क्रांति के साथ साथ प्रत्यक्षवाद, ये तीन धाराएं बहुत प्रबलता से आती है। तो जब हम ऐतिहासिक भूगोल की बात करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बैरो और कार्ल सावर के काम के साथ, ठीक है, बैरो और कार्ल सावर के काम के साथ में अमेरिका में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को लेके बहुत उत्साह होता है, और उसमें हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तैयार होता है। ठीक है, तो भूदृश्यों के अध्ययन में उनके वर्तमान स्वरूप के साथ साथ इस स्वरूप को प्राप्त करने की विकास प्रक्रिया का अध्ययन भी अति आवश्यक है। इस बात को इन्होंने प्रबलता से रखा, ठीक है, कि किस तरह से आ, 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 जो 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 लैंडफॉर्म्स हैं, बी इट फिजिकल और कल्चरल, ठीक है, ये लैंडफॉर्म्स जैसे आज हमें दिखाई देते हैं, ये किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरे हैं, ठीक है, वो जो पूरी ऐतिहासिक यात्रा है उसको तरजीह देना, उसको महत्व देने की बात जो है वो काफी प्रचलित हुई। दो काम हम देखते हैं यहाँ पे राल्फ ब्राउन के, क्योंकि उससे पहले इस धारा को मजबूती से रखने वाले विद्वानों की हमने काफी डिटेल में चर्चा पहले कर रही है, बैरो की भी हमने चर्चा कर ली है और हमने कार्ल सावर की भी चर्चा कर ली है। ब्राउन की जो बुक आती है मिरर ऑफ अमेरिकन्स 1943 में, और उनकी दूसरी बुक आती है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1948 में। इन किताबों के साथ में एक बार के लिए और तेज होता है ये ऐतिहासिक भूगोल का चिंतन, और ऐतिहासिक भूगोल की परिपाटी के साथ में हिस्टोरिकल उपागम के साथ में भौगोलिक लेखन वहाँ पर काफ़ी गति पकड़ता है। और इसी में एक और विद्वान को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये वो विद्वान है जिन्होंने सिक्वेंट ऑक्यूपेंस की अवधारणा दी थी, और वो विद्वान है विटलसी। ठीक है, विटलसी ने ने भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया, और 1927 में उन्होंने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया था कि अधिवासों के क्रमिक विकास पर केंद्रित अध्ययन को सीक्वेंट ऑक्यूपेंस या अनुगामी बसाव के अध्ययन के नाम से जाना जाना चाहिए। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी भी स्थान का कल्चरल लैंडस्केप जो आज हमें दिखाई देता है वो किस तरह से एक पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजर कर आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चार स्तंभ हैं, ये चार विद्वान, जिसमें बैरो का हम नाम लेते हैं, कार्ल सावर का नाम लेते हैं, हम राल्फ ब्राउन का नाम लेते हैं, और निश्चित रूप से हम विटलसी का नाम लेते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ अमेरिका में, और वो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी भी था सब्जेक्ट के लिए। और वो डेवलपमेंट ये था कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस सब्जेक्ट में होने वाले जो सैद्धांतिक विकास हैं। ठीक है, जो भी सैद्धांतिक विकास उस सब्जेक्ट को लेकर हो रहा है
उसके यदि व्यवहार पर पक्ष पर यदि हम ध्यान ना दें, उसके यदि अप्लाइड ओरिएंटेशन पे हम लोग यदि ध्यान नहीं दें, तो फिर उस सब्जेक्ट का इस आधुनिक युग में बहुत आगे तक बने रहना ये संभव नहीं रह पाता है। और ये चीज़ महसूस की गई और इस चीज़ को बहुत व्यापक स्तर पर अमेरिका में अपनाया भी गया, ठीक है। और वहाँ से फिर वो अप्लाइड ओरिएंटेशन सब्जेक्ट को मिलता है और फिर वो धारा पूरी दुनिया में फैलती है। तो भौगोलिक अध्ययन उत्तरोत्तर विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता एवं उसके व्यावहारिक पक्ष पर केंद्रित हो गया, ठीक है, कि हम जो स्कॉलर्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वो सोसाइटल वेलफेयर के लिए कैसे उपयोगी है, इस बात को लेकर चिंतन मनन और लेखन शुरू हुआ, ठीक है। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि सब्जेक्ट का विकास जो है, ठीक है, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन सब्जेक्ट के विकास के साथ में यदि सब्जेक्ट में जो भी हमने सीखा है यदि हम उसको व्यवहारिक पटल के ऊपर उपयोग में लाने में सफल नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए एक एक, एक चुनौती खड़ी होगी दूसरे विषयों के द्वारा, है ना, और हमें हमारे विषय की जो प्रासंगिकता है उसको साबित करने में जोर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण का उद्देश्य प्राप्त ज्ञान को क्षेत्रीय नियोजन और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उपयोगी बनाने पर केंद्रित हो गया। तो यहाँ से फिर ये बात आई कि भूगोल, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं स्थान के अध्ययन पर, और स्थान के अध्ययन को हमने देखा कि हम अनुभविक पद्धति से बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो जब हम स्थान पर केंद्रित होते हैं और हम जब स्थान संबंधित जो हमारा अध्ययन है, ठीक है, हम जब ये देखते हैं कि वो अध्ययन यदि हम उसको स्थानिक या यूं कहें प्रादेशिक नियोजन और जो जो सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए हम उसको प्रयोग में लाएं, तो फिर ये सामने आता है कि विषय की प्रासंगिकता जो है वो मजबूती से उभर कर सामने आती है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ अमेरिका में, ये मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में जो भौगोलिक सिद्धांत पर पक्ष है उसको लोगों ने उपयोग किया प्रादेशिक नियोजन के लिए, और जो अनेकों सामाजिक समस्याएं हमारे सामने हैं, है ना, रीजनल डेवलपमेंट और जो जो आंसर टू द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमारे ज्योग्राफिकल नॉलेज की उपयोगिता को समझा गया और उस पर केंद्रित अध्ययन जो है वो सामने आने लगे। इसी के साथ 1950 के दशक में अमेरिकी भौगोलिक चिंतन और लेखन में और तेजी आती है और इस समय अनेकों पुस्तकें जो लिखी गई है उसमें कुछ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है उनकी यहाँ हम एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि 1951 में टेलर की एक पुस्तक आती है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद में जेम्स जोन्स की पुस्तक आती है 1954 में अमेरिकन ज्योग्राफी इन्वेंट्री एंड प्रॉस्पेक्ट। फिर 1956 में थॉमस की किताब आती है द मेन्स रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ। फिर 1959 में आती है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टशॉन की। तो इस तरह से भूगोल में बहुत तेजी से बहुत बेहतरीन लेखन आने लगते हैं और तेजी से भूगोल वहाँ पर विकास करता है। और उसके साथ साथ ये जो भूगोल के शिक्षण प्रशिक्षण की धाराएं हैं ये बाहर अमेरिका से बाहर भी बहुत तेजी से प्रसारित होती है। 1950 के दशक में ही वहाँ पर हम देखते हैं कि भूगोल में विधितंत्रीय बदलाव की ओर झुकाव दिखाई देता है। तो ये जो विधितंत्रीय बदलाव है जिसको हम ये कहते हैं कि भाई जो मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन बोल सकते हैं हम इसको, तो इस मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जो जो मेथोडोलॉजिकल चेंज एक पूरे के पूरे रिवोल्यूशन की तरह आता है और हम उसको एक क्रांति के रूप में परिभाषित करते हैं, वो है परिमाणात्मक क्रांति।
ठीक है। तो परिमाणात्मक क्रांति जब आती है तो विषय में ये महसूस किया जाता है कि हम हमारे जो मेथड्स हैं भूगोल में जो हम अपनाते हैं उन मेथड्स को हम जो प्योर साइंसेस की मेथडोलॉजी है उसके समकक्ष लाएं। तो हमने क्या किया, भूगोल के अंदर ज़्यादातर प्योर साइंस में जो काम हो रहे थे मैथमेटिक्स में फिजिक्स में स्टैटिस्टिक्स में उनको हमने हमारे हमारे भूगोल की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए एक एक टूल्स के रूप में अपनाना शुरू किया और वही मेथडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। हालांकि इसको केवल और केवल मेथडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन कहना इसलिए भी उचित होगा क्योंकि ये केवल और केवल जो पैराडाइम का एक पक्ष होता है मेथड्स या मेथडोलॉजी केवल उसके चेंज की बात है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी की अभी इसमें कोई बात नहीं जुड़ रही है। जब वो चीजें जुड़ती है, जब दर्शन संबंधी चीजें जुड़ती है, तब ये रिवॉल्यूशन जो है ये एक नए पैराडाइम को जन्म देता है और वो है पॉजिटिविज्म, ठीक है। और इस पूरे के पूरे इस रिवॉल्यूशन में इस ये जो विधितंत्रीय क्रांति है इसके अंदर कोशिश की जाती है कि जो ज्योग्राफी में जिसका जिसके ज़्यादातर भाग में हम अध्ययन में केंद्र में रखते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, है ना, मैन एंड दिस हिज बिहेवियर, ठीक है, उसको हम केंद्र में रखते हैं। तो इवन उस इस विषय में भी, ठीक है, जहाँ पर हम मानवीय व्यवहार को केंद्र में रख रहे हैं इसमें भी अनेकों सिद्धांत और नियमों के प्रतिपादन की कोशिश की गई जो बहुत हद तक जो प्योर साइंस है, ठीक है, उसकी तर्ज पर बनाए जाने लगे, उस तरह के सिद्धांतों के प्रतिपादन पर जोर दिया गया। जो लोग प्रत्यक्षवाद की धारा में बहुत ज़्यादा बह रहे थे उन्होंने तो मानवीय मूल्य और मानवीय व्यवहार से संबंधित जो तत्व हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन वैल्यूज, उनको सिरे से नकार दिया कि इनकी विषय में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यदि हम इनको विषय में अपनाते हैं तो हम विषय को वैज्ञानिक रूप नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे विद्वान थे जिन्होंने आउटराइटली सब्जेक्ट मैटर से ह्यूमन बिहेवियर को बाहर निकालने की बात नहीं की, उनमें भी ये देखा गया कि उन्होंने काफी हद तक जो परिमाणात्मक क्रांति के तहत जो विधितंत्रीय बदलाव सामने आया था उसको अपनाने की कोशिश की, ठीक है। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि इस परिमाणात्मक क्रांति से जनित जो प्रत्यक्षवाद है, जो पॉजिटिविज्म की एक पैराडाइम डेवलप होता है ड्यू टू दिस मेथडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, उसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिक आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी के द्वारा, है ना, व्यवहारवादी भूगोल के द्वारा उसका एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक आता है। और गजब की बात यह है कि इस प्रत्यक्षवाद के विरोध में खड़े हुए व्यवहारवादी आंदोलन में भी हम ये देखते हैं कि शुरुआत में वो व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देते हैं, ठीक है, और वो इस जो जो सामान्य नियम और सिद्धांत प्रतिपादन की जो परंपरा है उससे थोड़ी दूरी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि वो व्यक्तिपरक अध्ययन तक नहीं जा पाते, हाँ वो बड़े बड़े समूहों की बजाय छोटे छोटे समूहों को अपने अध्ययन की इकाई मानते हैं, अर्थात वो छोटे छोटे समूहों को यूनिट ऑफ स्टडी के रूप में लेते हैं और साइकोलॉजिकल जो टूल्स हैं, ठीक है, जो टूल्स बेसिकली इस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से ही आते हैं उन टूल्स को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। और निश्चित रूप से ये लोग भी जिनको हम व्यवहारवादी चिंतक कहते हैं ये भी सामान्य नियम प्रतिपादन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि इनमें और प्रत्यक्षवादियों में जो मूल अंतर है वो ये है कि प्रत्यक्षवादी मानव व्यवहार से संबंधित जो पक्ष है उसको विषय में शामिल करने से इनकार करते हैं और ये पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन करते हैं कि भूगोल विषय में मनुष्य केंद्र में है और हम मनुष्य के व्यवहार से संबंधित तत्व जो कि विषय के मूल के भाग हैं हम उन्हें विषय से अलग करके नहीं देख सकते। तो एक अंतर तो ये आता है कि ये मनुष्य के व्यवहार से संबंधित पक्षों को अध्ययन के अंदर शामिल करते हैं और उनकी केंद्रीय स्थिति सुनिश्चित करते हैं। दूसरा परिवर्तन ये आता है कि प्रत्यक्षवादी मूलतः
मनुष्य को एक बड़े समूह के रूप में लेकर और सामान्यकृत करके, उसके व्यवहार को सामान्यकृत करके, है ना, जैसे व्यवहार को सामान्यकृत करने का मतलब ये हुआ कि भाई सारे के सारे मनुष्य आर्थिक मनुष्य हैं, ठीक है, ऑल प्लेयर्स आर इकोनॉमिक मैन, इस तरह की वो अवधारणाएं लेकर उसका सामान्यकरण, उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं। ये लोग उससे परहेज करते हैं और छोटे छोटे समूहों पर के अपने अध्ययन को केंद्रित रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यवहारवादी भूगोल में सामान्य नियम प्रतिपादन को लेकर जो परिपाटी होती है उससे उनका अनुराग बना रहता है, ठीक है। तो बहुत ये जो विधितंत्रीय बदलाव है, ठीक है, ये बहुत तेजी से अपनाया जाता है अमेरिका के अंदर भी। हमने देखा कि ब्रिटिश स्कूल में भी शॉर्ले और हैगेट बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी वर्क करते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे लुंड यूनिवर्सिटी और वियना सर्किल और भी बहुत सारे यूरोपियन सेंटर्स है जहां पर मेथोडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो है वो तेज़ी से अपनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका में जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर गैरिसन और उल्मन, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो जियोफिजिक्स और मैथमेटिक्स के सिद्धांतों को बहुत सारी जो भौगोलिक अध्ययन की विषय वस्तु है उसमें अपनाते हैं। आयोवा एक विश्वविद्यालय है, आयोवा विश्वविद्यालय में हेराल्ड मैकार्टी जो हैं वो भी इस दिशा में काम करते हैं। विस्कोसिन विश्वविद्यालय में आर्थर रॉबिन्सन और विलियम वॉन्ट्स भी इस दिशा में प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अमेरिका में ये प्रमुख स्कूल है वहाँ के, वॉशिंगटन, आयोवा, विस्कोसिन, ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो विधितंत्रीय क्रांति है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ठीक है। इस तरह से अमेरिका में हम देखते हैं कि जो भौगोलिक अध्ययन की परिपाटी है उसमें हमें इस ये जो प्रथम उसका भाग है 20वीं शताब्दी का, जो पहला आधा भाग है वहाँ तक हमें बहुत सारे नए जो दिशा है भौगोलिक अध्ययन की उनके सूत्रपात दिखाई देते हैं, है ना, उनकी नींव पड़ती है। और फिर 1950 के दशक से, अर्थात जो उसका दूसरा आधा भाग है 20वीं शताब्दी का, उसमें हमें फिर कुछ नवीन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं और कई नवीन चिंतन फलक जो है वो सामने आते हैं इस 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। जो पहला उसका आधा भाग है, शुरुआती 50 वर्ष है, उनके अंदर हमने देखा जैसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, हमने देखा कि वहाँ पर जो अप्लाइड ज्योग्राफी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 1950 के दशक से लेकर वहाँ पर विधितंत्रीय जो क्रांति है उसको बहुत तेजी से अपनाया जाता है। और विधितंत्रीय क्रांति के साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अनेकों चिंतन धाराएं हम देखते हैं कि अमेरिका में उभर कर सामने आती है। अमेरिका के बहुत सारे स्कूल्स उनमें लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और उसमें है एक तो अप्लाइड ज्योग्राफी, वो बहुत आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे विधि तंत्रीय बदलाव के साथ साथ में विषय में नियम और सिद्धांत के प्रतिपादन की परिपाटी आती है, उसके साथ साथ ये जो अप्लाइड ब्रांच है जो पॉपुलराइज होने लग जाती है पहले जो हाफ में 20th century के, वो बहुत तेजी से डेवलप होती है जो 20th century का दूसरा हाफ है उसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक आंदोलन आता है कल्याणकारी और क्रांतिकारी भूगोल को लेकर, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डेविड हार्वे की, हम बात करते हैं रिचर्ड पीट की, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जो क्रांतिकारी भूगोल को अमेरिका में स्थापित करते हैं, इसको एक धारा के रूप में स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो कल्याणकारी उपागम को, जो वेलफेयर ज्योग्राफी है ना, तो ये रेडिकल और वेलफेयर ज्योग्राफी दोनों मार्क्सिस्ट थॉट से निकल कर आती हैं, इनका वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। और इनके साथ साथ एक और धारा वहाँ बहुत तेजी से विकसित होती है और वो धारा है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी।
ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की जो धारा आती है वो बेसिकली ये भी जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, उसकी ये सब धाराएं जो आ रही है वो बेसिकली प्रत्यक्षवाद जो है उसकी जबरदस्त आलोचना का परिणाम है। तो इस मानवतावादी जो भूगोल है, इस धारा के अंदर क्या होता है कि वास्तविकता में इसी चिंतन फलक के अंदर जो एकाकी मनुष्य को लेकर है ना, उसको अध्ययन की इकाई लेकर अध्ययन की परिपाटी को आगे बढ़ाने की बात को काफी हद तक महत्व मिलता है। ये बात व्यवहार जो व्यवहारवादी भूगोल बिहेवियरल ज्योग्राफी के जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन वो इसको अपना नहीं पाते हैं। वास्तविक रूप से इसको अपनाने का जो काम है वो मानववादी या मानवतावादी भूगोल में होता है, और ये 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 बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं मानव की सृजनशीलता को, मानव के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं है ना, उसकी उसकी जो अभिज्ञानशीलता है उसको, ठीक है, मानवीय मूल्यों को, ठीक है, इन सब को बहुत ही महत्व दिया जाता है इस मानवतावादी धारा के अंदर, और कहीं ना कहीं मानव कल्याण को लेकर जो चर्चा है वो आगे बढ़ती है। और इसके अंदर क्योंकि जो जो वेलफेयर ज्योग्राफी और जो रेडिकल ज्योग्राफी, अर्थात यूं कहें कि क्रांतिकारी भूगोल और कल्याणकारी भूगोल, ये जो चिंतन धाराएं हैं ये बेसिकली हर एक मनुष्य के लिए भौतिक विकास के वातावरण के लिए लड़ाई लड़ती हैं कि हर एक मनुष्य के विकास के लिए उसकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, वो उसकी अनिवार्यतः पूरी होनी चाहिए। और इसमें ये मानवतावादी जो चिंतन है ये इसके अंदर एक और पक्ष को जोड़ता है, और वो इस बात को प्रबलता से रखते हैं कि भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए सबके लिए। तो ये जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल रोटी कपड़ा और मकान से ही हम यूँ कहें कि हम किसी मानव मात्र का कल्याण संभव नहीं कर पाते हैं। ये ज़रूरी है कि उसको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सम्मान के साथ मिले, अर्थात मनुष्य क्या की जो जो डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस है वो सुनिश्चित हो। और उस डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए बहुत अहम है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द फिजिकल डेवलपमेंट। भौतिक विकास के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकास के लिए भी सभी को उत्तम दशाएँ मिलनी चाहिए। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग आता है, जो मानवतावादी चिंतन की धारा के लगभग लगभग साथ साथ चलता है। और इसके अंदर फिर से जो सामाजिक कल्याण की बात है उस अवधारणा को काफ़ी आगे ले जाया जाता है, और इसमें उन तमाम लोगों की बात की जाती है, उन तमाम समूहों की बात की जाती है जो विकास के प्रतिफलों से वंचित हैं, ठीक है। तो जो जो ह्यूमन ग्रुप्स जो हैं उन तक डेवलपमेंटल फ्रूट्स नहीं पहुंच रहे हैं, और वो इस पूरी की पूरी जो 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 एक भागदौड़ है विकास की उसके अंदर पिछड़ जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और फिर वहां पर एक और डेवलपमेंट होता है, वो ये है कि भाई ऐसा महसूस होता है कि जो आधी जनसंख्या है वो महिला जनसंख्या है, और बहुत सारे विषय इस महिला जनसंख्या की जो दयनीय स्थिति है समाज में उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो भूगोल भी फिर इसमें पीछे नहीं रहता, और भूगोल में भी जेंडर इक्वेलिटी की बात करने वाले जो समूह हैं वो सामने आते हैं, और उसी के तहत जो जेंडर ज्योग्राफी है, महिलावादी जो भूगोल है, वो उस पर लेखन शुरू होता है। और उसमें उसमें कहीं ना कहीं इस बात को पुरजोर तरीके से रखा जाता है कि पुरुषों के समान जो महिलाएं हैं उनको भी समान अवसरों की उपलब्धता प्राप्त होनी चाहिए। और उसके बाद में उत्तराधुनिक काल की बात आती है, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आती है, जो जो स्ट्रक्चरल अप्रोचेस हैं, जो संरचनात्मक उपागम हैं वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, और ये जो सामान्य नियम प्रतिपादन के लिए
जो हम सामान्यकरण की धारा में आगे बढ़ते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म में उसकी आवश्यकता को नकार दिया जाता है। तो इस तरह से अमेरिका में मूल रूप से यूं कहें कि 20वीं शताब्दी के शुरू से लेकर और लगातार भूगोल विषय का विकास अनेकों विश्वविद्यालयों में संपादित होता है, अनेकों विद्वान इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और भूगोल विषय में अनेक नई चिंतन धाराएं अमेरिकन स्कूल से निकलकर सामने आती है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं।